लिसन, हम लोगों को अभी क्या करना था, कोलिजन थ्योरी इन लास्ट आई विल टेक अप एसएसएच अगेन, ठीक है? नाउ अंडरस्टैंड दैट कोलिजन थ्योरी क्या था. ये आवाज कहाँ से आ रही है? हेलो, सॉरी. अरे इट्स ओके. मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या चल रहा है? कुछ नहीं. कोलिजन थ्योरी सपोज करो, कोलिजन थ्योरी क्या कहता है, सपोज एक बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, आई डू हैव अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन, जिसमें ना ए प्लस बी कंबाइन करके प्रोडक्ट्स देते हैं, गेटिंग इट? तो ना सबसे पहले हमको क्या बोला गया कि रेट ऑफ द रिएक्शन is directly proportional to collision frequency. खुद सोचो, जितना ज्यादा collision होगा उतना ज्यादा molecule आपस में collide करके product बनाएंगे, बोलो हाँ या ना? हाँ. Getting it? अभी क्या सीन है? हाँ गया यार ये. हाँ मेरा. Now understand one thing. तो उन्होंने बोला था कि यार अगर सपोज करो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा उतना मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, जितना मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, ये चीज उन्होंने बोली थी. गेटिंग अ पॉइंट? या बट इशू क्या था इसके लिए, तो सबसे पहला था नंबर ऑफ कोलिजन. सो दे सेड दैट रेट इज एक्चुअली डायरेक्टली इज इक्वल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी.
Hey guys, am I audible? Yes, sir. तो उन्होंने क्या बोला कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? व्हाट इज माय कोलिजन फ्रीक्वेंसी? इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर कोलाइडिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम That will be equal to, जो collision frequency होती है ना उसका formula क्या होता है एट के टी by pi mu mu क्या pi d square I'll tell you everything two minutes right pi d square into n a into n b ये तुम्हारा collision frequency का formula होता है वेयर के बी ले ले ठीक है वेयर के बी इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट गिवन बाय आर बाय एन ए टी इज टेम्परेचर म्यू इज रिड्यूस मास सपोज करो मास ऑफ मॉलिक्यूल ए इज एम ए मास ऑफ मॉलिक्यूल बी इज एम बी ये इसका रेडियस है आर ए ये इसका रेडियस है आर बी ठीक है तो रिड्यूस मास का फॉर्मूला क्या होता है एम ए इंटू एम बी डिवाइड बाय एम ए प्लस ठीक है एंड जो डी है ना दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू एटम्स वाइल कोलिजन दैट इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी गेटिंग अ पॉइंट तो ये तुम्हारा कोलिजन फ्रिक्वेंसी है वेयर एन ए एंड एन बी आर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स of A and B per unit volume. Per unit volume. Understood? But a problem क्या हुई इन लोग हमें ये पता है ना कि अगर मैं रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाता हूँ तो रेट हमारा डबल हो जाता है याद है टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या था डबल या ट्रिपल हो जाता है करेक्ट राइट यस तो हमने अब यही फंडा अगर सिर्फ कोलिजन पे लगाता ना मैं सिर्फ कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे सारी चीजें डिपेंड कर रही होती राइट तो हम क्या कहते हैं कि कौन चूज लिया बताओ यार ऐसे कौन करता है बताओ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय टेन डिग्री सेल्सियस देन द रेट बिकम्स डबल राइट या इट लेकिन हम लोग ये ऐसे रुक इट इम्प्लाइज दैट कोलिजन शुड बिकम डबल या दिस वाज सेइंग बाय टेम्परेचर कोएफिशिएंट राइट हाँ किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऐसा होता है ना अगर टेम्परेचर तुम्हारा 300 केल्विन है T1 टेम्परेचर T2 तुमने 310 केल्विन कर दिया करेक्ट एक बार बताओ वेलोसिटी जो होती है अगर तुमने तुम्हें फॉर्मूला याद है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 8 बाय पाई आर टी बाय एम नॉट राइट और अगर आर एम एस वेलोसिटी है तो रूट थ्री बाय थ्री आर टी बाय एम नॉट राइट अगर मोस्ट प्रोबेबल है तो रूट टू आर टी बाय एम नॉट करेक्ट शैल आई से दैट वेलोसिटी इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ रूट ऑफ टेम्परेचर यस तो एक बार बताओ अगर तुमने फ्रैक्शनल वॉल्यूम किया है
अरे फ्रैक्शनल एरर किया है, तो तुमको पता ना अगर कोई भी चीज टेम्परेचर का फंक्शन है तो डीवी बाय वी जो होगा दैट शुड बी इक्वल टू हाफ इंटू डी टी बाय टी, ये पता है ना तुमको? हाँ अगर नहीं पता तो मैं डिराइव कर सकता हूँ। नहीं शायद उसमें की देखो मैंने क्या बोला, वेलोसिटी इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, रूट ऑफ टेम्परेचर। तुमने टेम्परेचर को कहाँ से कहाँ तक कन्वर्ट किया? 300 से 310 केल्विन तक। तो एक बार बताओ, तो वेलोसिटी जो है वो डबल हो जानी चाहिए थी राइट, अगर कोलिजन फ्रीक्वेंसी डबल हो रही है तो करेक्ट। हाँ। मैं वेलोसिटी के अंदर चेंज देख रहा हूँ कितना आ रहा है, तो शैल आई से दैट डीवी बाय वी इज इक्वल टू हाफ इंटू डी टी बाय टी। अब परसेंटेज चेंज देखोगे तो इंटू 100 करूं, परसेंटेज एरर ऐसे निकालते ना बेटा। करेक्ट। अगर सपोज करो y इज एक्चुअली इक्वल टू k टाइम्स x रेज टू पावर n, तो dy बाय y इज इक्वल टू n dx बाय x लिखते हो राइट? हाँ है कि नहीं आया ना, लिखते हो नहीं जी? k नहीं आया, कैंसिल हो जाएगा जो बोल रहा हूँ, सुन ना, लिखते हो ऐसा? चलो बढ़िया। नाउ लिसन, तो उसी चक्कर में अगर डी की पावर हाफ है ना तो ये आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, डी टी कितना आया तुम्हारा? 310 माइनस 300 कितना आया? 10 डिवाइड बाय 2 इंटू 300 कितना आया? 600 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा ये? 10/6। 10/6 कितना परसेंट हो गया बेटा? 5/3। हाँ वेरी गुड, 1.66%। यार अगर डबल हो रहा तो मेरे को तो इसका 100% चाहिए था ना। एक्सपेक्टेड तो यही था ना, बट है कितना? तो मतलब टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस थे, क्या वेलोसिटी कुछ बड़ा फैक्टर कर रहा है क्या? नहीं गेटिंग इट? हाँ गेटिंग अ पॉइंट? या तो मतलब कोलिजन ही एक लौती चीज नहीं है जिसकी वजह से रेट डबल होता है। Understood, there is something else which is involved, which is very important as compared to collisions. Understood? Yeah. Now there comes a particular thing which is known as energy barrier. तो उन्होंने कौन सी चीज लेके आई? Energy barrier. उसके अंदर जो हमारा जो term आया वो आया activation energy. What is activation energy? Energy required to take the products to the transition state. It is the minimum energy. Or intermediate. It is the minimum energy, which is required by the reactant molecules in order to form. क्या बेटा? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट दैट इज इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ रिएक्शन। एग्रीड? मतलब कोई भी रिएक्शन है ना, किसी भी रिएक्टेंट को एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो ट्रांजिशन स्टेट बना पाए, और उस एनर्जी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। जब तक ये एक्टिवेशन एनर्जी उसको नहीं मिलेगी तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा राइट? तो इस मिनिमम एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इसको टाइम ले लो, इसको एनर्जी ले लो राइट? अंडरस्टैंड? कोई डाउट इसके अंदर? नहीं। वेरी गुड। नाउ अंडरस्टैंड हियर, क्या जितनी भी रिएक्शन, जितने भी मॉलिक्यूल, जितने भी कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं, जब भी वो कोलाइड करेंगे तो क्या सबके पास एक्टिवेशन एनर्जी रहेगी क्या? नहीं। अंडरस्टैंड दैट एक्टिवेशन एनर्जी ये है, हम लोगों ने ना मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व किया हुआ याद है? यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स था करेक्ट? और यहाँ पे हमारा वेलोसिटी था। अब मैं वेलोसिटी को हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकता, वी स्क्वायर लिख सकता हूँ ना? तो जैसे जो कर्व तुम्हारा वेलोसिटी के लिए था
वही कर्व तुम्हारा वी स्क्वायर के लिए रहेगा, थोड़ा सा शेप ऐसा हो जाएगा ऊपर की तरफ, राइट? शेप तो सेम ही रहेगा ना, राइट? तो वी स्क्वायर का कर्व जो होगा वो भी ऐसे ही रहेगा, हाफ एम वी स्क्वायर का कर्व भी ऐसे रहेगा। तो मतलब जो काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है मॉलिक्यूल्स के अंदर, उसका कर्व भी ऐसा ही रहना चाहिए, बोलो हाँ या ना? मैं मान लेता हूं कि मुझे ना ये एनर्जी चाहिए जो कि एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल है, तो शैल आई से दैट ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है वो कोलाइड करके पहले रिएक्टेंट वो कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहा होगा। अगर सपोज करो पूरे फ्रैक्शन का एरिया अगर इंटीग्रेशन करोगे तो तुमको वाई मिलता है, राइट? व्हाट इज द वाई वैल्यू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, राइट? अगर मैं पूरे कर्व को इंटीग्रेट करूं तो मेरे पास नेट फ्रैक्शन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अगर ये नेट फ्रैक्शन आएगा तो एरिया अंडर द कर्व क्या रहेगा? वन रहेगा। तो अगर ये एरिया मैं लमसम इसके कंपैरिजन में करूं तो नियरली ये 0.1 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? यस। तो मतलब अगर 1000 मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं किसी भी टेम्परेचर में, उसमें से 0.1 फ्रैक्शन ऐसा है, 0.1 फ्रैक्शन ऐसा है जिसके पास एक्टिवेशन एनर्जी है, राइट? तो मुझे बताओ कि 1000 मॉलिक्यूल पर सेकंड कोलाइड कर रहे हैं तो उसमें से कितने मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनाएंगे? 100। अंडरस्टूड। पता है होता क्या है, ये टेम्परेचर तुमने ले लिया T1, करेक्ट? करेक्ट। अब चक्कर क्या है, नेक्स्ट टेम्परेचर तुमने ले लिया T2। अब जो T2 है ना वो ग्रेटर देन T1 है, तुम्हें पता ना अगर टेम्परेचर तुम बढ़ाते हो तो कर्व इस तरीके से शिफ्ट होता है। अब जो मॉलिक्यूल है जिसके पास एक्टिवेशन एनर्जी रहेगा वो ये वाला फ्रैक्शन रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। शैल आई से दैट अब जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं वो एक्चुअली 0.2 और 0.3 के इक्वल हो गए? हो गए। अगर वो 0.2 और 0.3 के इक्वल हो गए तो मुझे एक बात बताओ, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1000 पहले कोलाइड कर रहे थे जिसमें से कुछ 100 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बना रहे थे, अब कितने मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनाएंगे? 100 से 200 या 300। एक बार बताओ तो मैटर क्या करता है, टेम्परेचर या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स? सॉरी, मैटर क्या करता है, कोलिशंस या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट? अंडरस्टूड, राइट? सो व्हाट हैपेंड, ओनली दोज मॉलिक्यूल्स will form product which has energy greater than equal to activation energy, right? The fraction of molecules which are having energy greater than equal to activation energy are E minus EA by RT. Any doubt in that? No. Very good. अगर fraction of molecule which have activation energy greater than EA, E minus EA by RT है, तो shall I say that now on increasing the temperature on increasing the temperature, fraction of molecules by 10 Kelvin le lo, fraction of molecules which has energy greater than equal to activation energy becomes double or ट्रिपल। अंडरस्टूड? या। वेरी गुड। यहाँ मेरे को ना एक और चीज तुमको समझाने का, इतना समझ में आया तुमको? तो बता उन्होंने क्या बोला, जो रेट है ना, रेट ऑफ द रिएक्शन, नाउ रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जितने भी कोलिजन्स हो रही है, इनटू फ्रैक्शन ऑफ वो मॉलिक्यूल जिनके पास एनर्जी इक्वल टू ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी है। गेटिंग अ पॉइंट? या। चले आगे। So, but I didn't understand why we did all of this.
प्रोटीन बाय दिस मतलब एक्टिवेशन एनर्जी वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व और वो कंपैरिजन किया क्यों या क्यों मतलब थ्योरी कैसे निकालोगे अदरवाइज रेट कांस्टेंट कैसे निकालोगे वो तो हमको पता ही है ना कि डबल होता है अरे बाबा वो तो एक्सपेरिमेंटली पता है ना करेक्ट तो हाँ अगर वो एक्सपेरिमेंटली पता है अपने तो एक्चुअल में पता करना ना क्यों हो रहा है राइट और क्या एक्सप्रेशन उसको गवर्न करेगा ओके है ना इन शॉर्ट हम अरिनियस इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं अंडरस्टूड ओके इस पूरे ताम झाम से ना हमको एक ही चीज मिल रही है अरिनियस इक्वेशन गेटिंग इट हाँ चलो ग्रेट नाउ अंडरस्टैंड हियर अगर इतना समझ में आया तुम लोगों को तो रेट ऑफ द रिएक्शन कितना आ जाएगा रेट कॉन्स्टेंट सॉरी रेट ऑफ द रिएक्शन कितना आ जाएगा 8 kT by pi mu into pi d half into pi d square into n a n b any doubt no very good आगे चलें into e minus a by rt how can you forget that correct yeah, now yeah. मेरे को मैंने तुमको कहा था तुमको एक चीज समझानी है मेरे को ठीक है सपोज मैंने ये तुमको पहले भी समझा रखा है बट स्टिल आई एम जस्ट डूइंग इट अगेन ठीक है सपोज करो मेरे पास ना एक ये रिएक्शन है ये पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इसका एनर्जी हमने प्लॉट किया हुआ है ठीक है दैट इज एनर्जी एंड दिस इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और नीचे क्या आ जाएगा एनर्जी मेरे पास लेट्स से दो दो रिएक्शन है रिएक्शन वन जिसमें ए प्लस बी तुम्हारा प्रोडक्ट दे रहा है पी वन दे रहा है और रिएक्शन टू सी प्लस डी तुम्हारा पी टू दे रहा है इसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी ई वन ले लो इसका एक्टिवेशन एनर्जी ई टू ले लो ठीक है मैं मान लेता हूँ E2 जो है ना वो बड़ा है E1 से तो ऑब्वियसली अगर ये E2 है तो ये तुम्हारा E1 होगा राइट या ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिसके पास एनर्जी E2 से ज्यादा है राइट और ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास एनर्जी E1 से ज्यादा है करेक्ट अगर नेट रिएक्शन नेट ग्राफ का एरिया वन है ठीक है एरिया इज इक्वल टू वन तो ये जो एरिया है ओवरऑल ये तुम्हारा नियरली 0.2 के इक्वल होगा yeah. और ये एरिया तुम्हारा 0.1 के इक्वल होगा बोलो हाँ या ना ठीक है तो मुझे बताओ फास्टर कौन सी रिएक्शन होगी ए बी ज्यादा बनेगा या पी सी डी ज्यादा मतलब पी टू ज्यादा बनेगा या पी वन ज्यादा बनेगा पी वन ज्यादा बनेगा बिकॉज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर फॉर्मिंग पी वन आर मोर राइट मैं क्या कर रहा हूँ टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ करेक्ट अगर टेम्परेचर टी टू से बढ़ा तो तुम्हें पता है ना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल लोअर एनर्जी और मीडियम वाली एनर्जी कम हो जाती है और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हायर वेलोसिटी बढ़ जाता है राइट यस हां मुझे एक बात बताओ ई टू जो पहले इतना था अब जो नया ई टू का वैल्यू होगा वो कितना होगा चलो ऐसे जो नया ई टू का वैल्यू होगा वो ये हो जाएगा ये फ्रैक्शन हो जाएगा या ये न्यू फ्रैक्शन ऑफ ई टू हो जाएगा ई टू एट टेम्परेचर ये फ्रैक्शन हो जाएगा तुम्हारा At temperature T2, correct? तो ये fraction तुम्हारा nearly double हो गया। हाँ। E1 के लिए पहले fraction इतना था, अब E1 के लिए जो fraction है, वो इतना हो गया, correct? वो भी double हो गया almost। नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे? E1 के लिए अगर 0.2 था, तो इसको अगर तुम पूरे comparison के साथ करोगे, तो nearly 0.3 के equal आएगा। मतलब एक बार बताओ, अगर 100 molecule अगर 100 मॉलिक्यूल्स पहले E2 वाले थे अब वही मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे 200 राइट अगर
200 मॉलिक्यूल्स तुम्हारे इवन वाले थे, अब वो कितने हो जाएंगे 300, तो परसेंटेज इंक्रीज इन रेट किसका ज्यादा होगा, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है? ज्यादा ज्यादा है उसका परसेंटेज इंक्रीज ज्यादा होगा ना। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, तो अगर परसेंटेज ई टू का ज्यादा होगा करेक्ट, बट स्टिल ज्यादा प्रोडक्ट कौन बना रहा होगा, पी टू या पी वन? P1. बस बहुत बढ़िया, मेरे को ये देखना था। So I have a question. No matter how much we increase the temperature, P1 will always end up more than P2, right? Okay. So originally जब temperature T1 था, तो E1 का जो fraction है, that is taking up some of E2 वाला fraction as well, right? Yeah. So no matter what, P1 will always form more than P2, and technically P2 is not 0.1 of the total. See it again. So E1 का fraction, E2 का fraction का ये है। अरे अरे अरे, दोनों different reaction है बेटा। हाँ सर, तो वो मैं भी वही बोल रहा हूँ कि जो वो 0.1% molecules है E2 के fraction में, उसमें से कुछ दोन मतलब half the molecules will perform the second reaction, half will perform the first reaction। अरे नहीं बेटा, कैसे, मैं कह रहा हूँ दोनों reaction अलग अलग container में है और दोनों के जो reactant है वो अलग अलग है, क्या कर रहे हो? Okay, container अलग है, okay, हाँ। समझा, जस्ट अ कंपैरिजन है ये, अंडरस्टूड? या तो अगर E2 इज ग्रेटर देन E1 है, ठीक है, तो लेकिन अगर साइमल्टेनियसली हुआ तो क्या होगा? क्या कह रहे हो? अगर दोनों रिएक्शन एक ही कंटेनर में हो रहे हैं तो क्या होगा? अगर दोनों रिएक्शन एक कंटेनर में हो रहे हैं तो सीडी अपना देखेगा, ए भी अपना देखेगा, बिकॉज रिएक्टेंट तो स्टिल अलग अलग है ना, एनर्जी तो ए बी और सी डी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट है। हाँ, सॉरी सॉरी, अगर ए बी दोनों का रिएक्टेंट है तो क्या होगा? हाँ, तो इसको तुम पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह लोगे। तो पर जरूरी थोड़ी ना कि एक का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई हो। तो क्या कैलकुलेशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन अप्रोच तो सेम ही होगा। ठीक है, मतलब पैरेलल वाला ही रहेगा ना। अरे ये पूछेंगे जो लिख रहा हूँ भाई, अगर E2 greater than E1 है, ठीक है, अगर ये R2 है और R1 है, ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, R2 is lesser than R1 always, right? Yeah. But percentage increase in R2 will be more than the percentage increase in R1. Understood? Yeah. On increasing the temperature. By 10 Kelvin. Understood? Understood? 8 minutes of time. Yes, sir. हो गया। हाँ, डन डन डन, नहीं बात, वेरी गुड। नाउ लिसन, तो हमारे पास जो रेट आया रिएक्शन का, वो फाइनली क्या आया अकॉर्डिंग टू अवर टू फैक्टर्स टिल नाउ, कोलिजन फैक्टर और एनर्जी बैरियर वाला फैक्टर। तो नेट रेट कितना निकाला हम लोगों ने, 8 kT/πμ√πd² इंटू एन ए इंटू एन बी इंटू ई की पावर माइनस ए बाय आर टी, लिख सकते हैं ना? हाँ, बहुत बढ़िया। ये अब तक हमारे को मिला नेट रेट का रिएक्शन, करेक्ट? अब सुनो, नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, थर्ड, ओरिएंटेशन बैरियर। जिसको हम प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी कहते हैं।
तुम एक बात बताओ, सपोज करो एक रिएक्शन है जिसमें ना एनओ टू दूसरे एनओ टू के साथ क्लब कर रहा है टू फॉर्म एन टू ओ फोर, करेक्ट? अब इसके अंदर बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि नाइट्रोजन है वो क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड ओ है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट? शैल आई से दैट नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है. मैं कह रहा हूं अगर ये नाइट्रोजन और इस मॉलिक्यूल के पास, दूसरे नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के पास अगर ये कोलाइड कर रहे हैं, है ना, और कोलिजन के वक्त जो एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी से भी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली रिएक्ट प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा. वेरी गुड. अब चक्कर क्या, जब ये कोलाइड करेंगे तो दे विल इंटर अप इंटर दे विल फॉर्म अ बॉन्ड विद ईच अदर and I'll be getting oxygen, NO2 बनेगा, बोलो हाँ या ना? जी. बट अगर सपोज कर ये भाई साहब N2O4 बनेगा ना? हाँ N2O4 बनेगा, बना ना? हाँ NO2 बुला मैं. अब सुनो ना, यहाँ ऑक्सीजन आया, यहाँ ऑक्सीजन आया, ये एक फ्री रेडिकल है. अगर इस मॉलिक्यूल के पास और इस मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, बट ये कोलिजन इस तरीके से कर रहा है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ कोलाइड करा, तो प्रोडक्ट बनेगा क्या? नहीं. मतलब इन दोनों मॉलिक्यूल के पास अगर एक्टिवेशन होते हुए भी एनर्जी होते हुए भी कोलिजन होते हुए भी अगर प्रॉपरली ओरिएंटेशन नहीं है ना, तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन. अंडरस्टैंड? सो रिएक्शंस विद मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव लेस एटॉमिसिटी हैव अ हायर रेट देन वंस विद हायर एटॉमिसिटी, क्योंकि उसमें ओरिएंटेशन का ये जो है वो वैल्यू जो है उसका अगर सब कुछ सेम है ना तब ना. हाँ. अंडरस्टूड? या वेरी गुड. आगे चलें. तो आपने क्या लिखा है? नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन. ओके. हाँ डन. या नाउ वेवर वी फाइनली उन्होंने क्या बोला, चलो ठीक है अब जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालना ही है ना तो व्हाट इज द नेट रेट ऑफ रिएक्शन. उन्होंने बोला ओनली दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव एक्टिवेशन एनर्जी एंड आर प्रॉपरली ओरिएंटेड will result in the formation of our product. और जो ओरिएंटेशन के लिए ना उन्होंने एक और चीज डाली, प्रोबेबिलिटी फैक्टर. तो जो रेट हो गया ना दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फैक्टर, दैट इज ओरिएंटेशन फैक्टर. Into 8 kT by pi mu into half pi d square into Na into Nb into E minus A by RT. लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? एक काम करते हैं, रेट जो हो गया ना फाइनली वो कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी फैक्टर into 8 kT by pi mu into half into pi d square into E minus A by RT into Na into Nb. ऐसा भी लिख सकते हैं. हाँ. Na क्या है? number of molecules of A per unit volume, number of molecules of B per unit volume. Agreed? अगर मैं suppose करो एक bimolecular reaction है, अगर मैं उसका rate लिखता हूँ, product बना रहे हैं, ठीक है? तो bimolecular elementary reaction का जो rate होगा, तो rate is equal to rate constant into concentration of A into concentration of B लिखूंगा ना, raise to power 1 and 1 because order is equal to molecularity. ये जो term है ये तुम्हारा concentration term ही है per unit volume. अगर तुम इसको इसको compare करो तो जो rate constant की value है वो किसके equal आ गई? जो
जो तुम्हारा नेट रेट कांस्टेंट आया ना वो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी फैक्टर इनटू के 8 केटी पाई म्यू हाफ डी पाई डी स्क्वायर कोलिजन फ्रीक्वेंसी जिसको तुम ए बोलते हो इनटू ई माइनस ए बाय आरटी। एक काम बोलो प्रॉपरली ओरिएंटेड कोलिजंस को तुम लोग ए डैश बोल सकते हो इनटू ई माइनस ए बाय आरटी। तो आ गया ना हमारे पास अरेनियस इक्वेशन। आपने पी ए को ए डैश लिखाना और कुछ नहीं। जो तुमको ए दे रखा होगा वो ए डैश ही होगा क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी फैक्टर ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है उसमें। ठीक है okay. तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। Understood. इस थ्योरी को हम कोलिजन कोलिजन थ्योरी कहते हैं। Getting a point? Yeah. चलें आगे। हाँ। तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया। सही बात। ठीक है। And एक चीज थी स्टडी स्टेट हाइपोथेसिस, राइट? स्टडी स्टेट हाइपोथेसिस तुम्हारा क्या कहता है? स्टडी स्टेट हाइपोथेसिस क्या कहता है? Equal to rate of usage of intermediate. Yeah, it says that intermediate is very reactive species. Okay, after a brief induction time, the concentration of intermediate becomes constant. और वो कब होगा? जब rate of formation of intermediate will become equal to rate of dissociation of intermediate. Getting a point? कुछ time के बाद जितना amount बन रहा है उतना अगर decompose हो रहा है तो amount constant होगा कि नहीं होगा? होगा। वेरी गुड। तो इसको बोलते हैं SSH, स्टडी स्टेट हाइपोथेसिस। ठीक है। नाउ आई विल जस्ट रिवाइज यू द क्वेश्चन व्हिच वी हैव डन इन द लास्ट क्लास। ठीक है। अगर तुमको याद हो स्टडी स्टेट हाइपोथेसिस के अंदर मैंने तुमको ये क्वेश्चन दिया था, राइट? इसको एक बार सॉल्व करो उसके बाद वी विल वाइंड अप। ठीक है। द चैप्टर आप क्लास जल्दी खत्म कर रहे हो आज? नहीं नहीं वी विल वाइंड अप द चैप्टर आई सेड बाबा। आप हाइड्रोकार्बन्स करोगे? हाँ। संडे को क्या सीन है तुम्हारा? बहुत इम्पोर्टेंट काम है संडे को। जैसे कि सोने का। सेकंड रिएक्शन इज योर स्लोएस्ट स्टेप, राइट? ये कैसे पता? मैं बता रहा हूँ, दिया हुआ। ठीक है। और जो नेट रिएक्शन है ना, जो नेट रिएक्शन है, द नेट रिएक्शन इज CH3CHO डीकंपोज टू गिव CH4+CO। ये तुम्हारा नेट रिएक्शन है। मुझे इसका ना रेट लॉ निकालने का बाय यूजिंग दिस मैकेनिज्म। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले जब रेट निकालते हैं तो मैं कौन सी आरडीएस कौन सा है इसके अंदर? मुझे तो आरडीएस दूसरा। अगर आरडीएस दूसरा है तो रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे लिखेंगे? डी बाय डीटी ऑफ CH3। वैसे ही बोल रहा हूँ ना। हाँ। नहीं नहीं रेट कैसे लिखेंगे? रेट एक्सप्रेशन कैसे आएगा? रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट? CH3CHO1। बट चक्कर क्या है, ये जो एक्सप्रेशन है मैं इंटरमीडिएट के टर्म्स में नहीं लिख सकता। आइदर ये, करेक्ट? हाँ। ये चलो ठीक है, रिएक्टेंट है, बट इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। हाँ जी। अगर मुझे स्टेज चेंज करना पड़ेगा तो व्हाट आई विल डू? अप्लाई स्टडी स्टेट हाइपोथेसिस फॉर CH3. शैल आई से दैट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ इंटरमीडिएट, राइट? या। सो प्लस DCH3/dt प्लस डी plus DCH3/dt should be equal to minus of DCH3/dt. Agreed?
तो किस किस रिएक्शन में ये बन रहा है पहले ये बताओ मुझे, बन रहा है कि पहले बन किस में रहा है ये? थर्ड रिएक्शन में, फर्स्ट रिएक्शन में। उसका रेट क्या होगा सर, रेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्या होगा? फर्स्ट का उंडी के इनटू सीएच3 सीएच1 ऊपर K2 डाल दो, हलकट K1 लिखा ना। अरे नहीं नहीं ऊपर वाले रिएक्शन रेट में K2 डाल दो। आगे दैट इज बोला और कहाँ बन रहा है थर्ड रिएक्शन में क्या लिखो? K3 CS3 should be equal to rate of decomposition, कहाँ का decompose हो रहा है? K2 CS3 okay और N2 CS3 CH क्या? अच्छा है ना, क्योंकि वो आगे आगे प्लस एक मिनट हाँ प्लस K4 इनटू CS3 रेस्ट टू ना टू हाँ सॉरी टू भूल गया वन बाय माइनस वन बाय टू DCS3 बाय DT है ना। हाँ रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू K4 इनटू CH3 डॉट होल स्क्वायर, तो मुझे माइनस ऑफ DCH3 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। हाँ हाँ बराबर ठीक है, माइनस ऑफ DCH3 इज इक्वल टू 2 इनटू दैट। अब मुझे एक बात बताओ, अब मेरे पास एक और इंटरमीडिएट आ गया ये वाला राइट, देन व्हाट यू विल डू अप्लाई SSH फॉर इंटरमीडिएट 2 बताओ जरा कहाँ बन रहा है, कहाँ डीकंपोज हो रहा है? एक मिनट सर, हाँ एक रिएक्शन में डीकंपोज हो रहा है, एक रिएक्शन में बन रहा है। कौन सी डीकंपोज का? ये होगा K3 CH3CO बस इज इक्वल टू K2 CH3CO CH3CHO। हाँ वही हाँ getting it, मतलब ये दोनों टर्म सेम है कि अलग अलग है? सेम है। वेरी गुड, तो K3 K2 काट दो ना। हाँ जी, तो कितना आ जाएगा CH3 डॉट जो आ जाएगा तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन, दैट कम्स आउट टू बी K1/2 K4 स्क्वायर इज इक्वल टू CH3 CH3 CH। तो CH3 डॉट का रूट डालेंगे हो गया ना? हाँ हो गया SSH खत्म। यस सर, तुम में से कोई मुझे तुम्हारे हाइड्रोकार्बन के नोट्स भेजेगा क्या, क्या क्या करवा अभी भेजा? सर डू द ऑनर्स प्लीज वेदांत। हां वेदुगा हां हुआ सॉरी। हां हां भेज ना बेटा, हाइड्रोकार्बन के नोट्स भेज सको, हाइड्रोकार्बन के नोट्स भेज एमसीएच के। सो बहुत पीडीएफ है तो काम पे लग। अरे हाइड्रोकार्बन्स है नॉट पहले वाला रिएक्शन मैकेनिज्म। हां हाइड्रोकार्बन्स के भी 6-7 एक्चुअल हो गए, नहीं 3-4 हो गए, तो 3-4 पीडीएफ ही भेजने पड़ेंगे ना। देखो दो दो पीडीएफ होते हैं हर क्लास के, तो चलिए काम पे लगे। भेज दो ग्रुप पे या तू भी डाउनलोड कर देना। मैं बैठता नहीं हूँ ना, मेरे को क्या पता कौन से लेक्चर का क्या होता। अरे टाइटल लिखा होता है ना। अरे डूड भेज दो ठीक है, डाउनलोड कर रहा हूँ, 2 मिनट दो। तेरी टांग खींच रहा मैं, शांत रख रहा हूँ। तू लैग कर रहा।
फर्स्ट टू लेक्चर्स का नहीं है. क्यों बैठा है क्या? नहीं मेरे मतलब पीडीएफ नहीं है, मतलब फिजिकल नोट्स है. बीस बीस पेजेस पे हाँ एक लेक्चर में 22 to 23 ना लेक्चर पर बड़ा अच्छा हुआ मैं नहीं बैठता. ऐसा क्यों ज्यादा नहीं है? नहीं सर मतलब एक पेज पे दो रिएक्शन आते हैं. अच्छा वो बहुत बड़ा बड़ा लिखता है. गौरव सर की भी वैसे होते थे, वो एक पेज पे एक दो सेंटेंस लिख देते और फिर ऐसा लगता था 80 पेजेस पर आया है, लेकिन 20 पेज माफी क्यों होता था. I don't know. मैं बस ये देख रहा हूँ कि चल क्या रहा तुम्हारा. तो हम लोग डिहाइड्रोजनेशन कर रहे थे एल्कीन और एल्काइन का. डिहाइड्रोजनेशन डायमाइट कुछ तो किया इसके साथ, पैलेडियम कार्बन के साथ किया गया. हाँ पीडीपीटी वो सब निकल एनआईएच. Okay, guys.
the compounds of carbon and hydrogen. तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म जैसा ही है क्या? नहीं, तो इसमें रिएक्शंस नहीं रटने पड़ेंगे? ऐसा कह नहीं सकते हो, समझने पड़ेंगे. देखो, कोई भी हाइड्रोकार्बन है ना, इट इज क्लासिफाइड इनटू सम फॉर्म्स. पहला एलिफैटिक, एरोमैटिक. एलिफैटिक के अंदर यू हैव सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड. वन सेकेंड. यस सर. हमारे पास है एसाइक्लिक एंड एलिसाइक्लिक. एलिफैटिक साइक्लिक इज नोन एज एलिसाइक्लिक. ठीक है. एरोमैटिक के अंदर तुम्हारे पास कंपाउंड्स होते हैं, क्या नाम है? एरोसाइक्लिक. एरोमैटिक इज ऑलवेज साइक्लिक, राइट? प्लेनर साइक्लिक, प्लेनर पहली कंडीशन है, राइट? हां, तो मैं भूल गया था. बेंजीन, बेंजीनॉइड्स, क्या बोलते हैं? बेंजीनॉइड्स जो बेंजीन से बने होते हैं, और नॉन बेंजीनॉइड. अगेन क्रिएटिव. नॉन बेंजीनॉइड के अंदर भी दो टाइप के होते हैं. क्या कहते हैं? होमोसाइक्लिक और हेटरोसाइक्लिक. से एक नॉन बेंजीनॉइड का एग्जांपल दो ना. दे रहा हूँ ना बेटा, बहुत सारे दो ना. एसाइक्लिक के अंदर तुम्हारा सैचुरेटेड होता है और नॉन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड होता है. ठीक है. एलिसाइक्लिक तुमको पता है क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोब्यूटेन हो गया, साइक्लोपेंटेन हो गया, राइट? सैचुरेटेड के अंदर तुम्हारा एल्केन हो गया, CnH2n+2, और ये हो जाएगा एल्कीन अल्काइन. ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? CnH2n-2, राइट? योर राइट. बेंजीनॉइड तुम्हारा बेंजीन हो गया, नैप्थलीन हो गया. आमिर इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन के ट्रिपलेट होगा है. एंथ्रेसीन. पानी है, पानी तेरे पास? नहीं. वेरी गुड. हम अफ्रीका में रहते हैं. नहीं, संडे को मैं अफ्रीका ही घूमने आ रहा हूँ. माता बहुत गरीब जगह है. कोई बात नहीं, मैं बहुत अमीर हूँ. I'll feel lavish. Anyways, non-benzenoid. Homocyclic और heterocyclic. Homocyclic के अंदर तुम्हारे पास ये आ गया साइक्लोपेंटाडाइन एनियन हो गया. हेटरोसाइक्लिक के अंदर अभी कंफर्म नहीं है, शायद मेरा प्लान बन रहा है कल का. किसका? अफ्रीका जाने का? नहीं बेबा, अपन आएंगे वहां पे, कोई मीटिंग है रात को. ठीक है, आई विल वाइंड अप दैट मीटिंग इन द मॉर्निंग, आई विल कम देयर. ये ठीक है, ये तुम्हारा हेटरोसाइक्लिक है. कहां गया झिंगुस? हां हां हां, ठीक है. सर, झिंगुर मतलब प्रॉन्स होता है ना? नहीं रे, झिंगुर इज क्रिकेट. ओ या तो झिंगुर का मतलब नहीं पता. पता होगा. अच्छा, यूज़लेस. सर अगर पता होता तो हिंदी मीडियम में पढ़ा होता ना. मेरा हिंदी वैसे भी बहुत बुरा है, मेरे को प्रीलिम्स में 50 आए थे. देखो, ऐसा हिंदी में नहीं, कोई झंडे नहीं गाड़े. ठीक है, बट
जनरल नॉलेज अच्छी है मेरी। एनीवेज we start with your normal hydrocarbons, not this thing alkene, alkene, alkynes लेंगे हम लोग। सबसे पहला टॉपिक आएगा alkene, ठीक है? alkene के अंदर स्ट्रीम क्या है? You have methane, ethane, propane, butane. अब पहले जो पांच होमोलोगस सीरीज में होते ना मॉलिक्यूल, दे आर गैसियस स्टेट, दे एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, गेटिंग इट गाइस? या यस सर। एक मिनट मैडम, ठीक है, पेंटेन से ना टिल C17 तक, C17H कितना? 36 तुम्हारा ये लिक्विड तक रहेंगे, ठीक है? उसके बाद C18 से सॉलिड, क्या कह रहा है? सॉलिड, दे एग्जिस्ट सॉलिड फ्रॉम। अब एक बात बताओ, इन सब के अंदर ना पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज पे ध्यान दो। मुझे एक बात बताओ, इनके अंदर व्हाट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर? वैन डर वाल फोर्सेस, कोवैलेंट फोर्सेस, कोवैलेंट फोर्सेस। अरे लंडन फोर्स, सो वैन डर वाल लंडन ही तो होता है। वैंडरवॉल के अंदर पांच डिफरेंट कैटेगरीज के फोर्सेस होते हैं। लंडन इज अ सबसेट ऑफ वैंडरवॉल। डायपोल, डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, ओ हां हां हां, ये सारे वैंडरवॉल के अंदर आते हैं। तो सर मैं गलत थोड़ी ना था, मैं तो सिर्फ कम सही था। गलत थोड़ी ना, गलती है ना, मेरे को मुंबई जाना है, तुम इंडिया भेज रहे हो। फायदा उसी, मुंबई इंडिया में ही। थोड़ा थोड़ा आप भी एडजस्ट करो ना, हम कितना काम करेंगे अभी। तेरी एडजस्टमेंट तो मैं निकालूंगा, देख मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। ए डन, लंडन फोर्स जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहला क्या होता है? मास, मास। सेकंड सरफेस एरिया, गेटिंग इट? मास इज प्राइमरी फैक्टर, ठीक है? कुछ कुछ केसेस होते हैं जिसके अंदर सरफेस एरिया प्रेडोमिनेट कर जाता है। फॉर एग्जांपल तुमको याद होगा, मीथेन जो है इसका जो ए वैल्यू है गैसीय स्टेट के अंदर, जो ए वैल्यू ऑफ मीथेन है इट इज मोर देन ए वैल्यू ऑफ सी, अगर याद हो तो। सही, नीचे ए ए क्या लिखा? वॉल्यूम कलेक्शन, वहां अट्रैक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन प्रेशर करेक्शन के अंदर आता था, राइट? हाँ हाँ ये, हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, अरे कुछ बोल रहे थे तुम, कुछ क्या था वो? इतना समझ में आया तुमको? हाँ सर, बहुत बढ़िया, चले आगे। थैंक यू। Yes. So, nature में दिखते भी है क्या C17 C18 वाले compounds? Nature में? C17 C18 वाले compounds दिखते हैं। हाँ ना, क्यों नहीं दिखेंगे? So, वो लिमिट किधर तक है? मतलब कार्बन का औकात किधर तक है? मतलब वो C18 तक जा रहा है, C50 तक जाएगा, किधर रुकेगा? किधर ओपन चेन में रुक जाए एक मिनट।
एक छोटे से डायमंड के अंदर देयर आर मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ कार्बन अटैच्ड टुगेदर राइट सो बट दैट्स लाइक लेयर्स ना तो दैट्स लाइक That's layers of carbon, na. That's not like a single chain. ए भांग खा के बैठे हो. Layers क्या three dimensional solid है, right? हाँ तो वही तो वो single chain थोड़ी ना है. उसमें एक carbon दो carbon से ज़्यादा के साथ attached है ना. ओह. अच्छा जो petrol डलवाते वो क्या है? वो महंगा. Carbon compound. Carbon compound ही है ना? लोअर हाइड्रोकार्बन होते हैं जो लिक्विड होते हैं तो मतलब C17 हुआ ना मतलब ऑक्टेन डीजल जाता है C15 C13 C16 C17 तक ओके और तुम्हारा कैंडल है वो C18 C19 C20 दैट्स ओपन चेन हां ओ दैट इज व्हाई इट कैन बी मोल्डेड अगेन नो अगर पॉलीमेरिक होता तो कहां से मोल्ड कर पाए मतलब अगर चेन्स के बीच में बॉन्ड बन रहा होता इंटैक्ट तो लेयर टाइप स्ट्रक्चर आता तो टूट नहीं जाता क्या वो तो इतना हार्ड हो जाता क्या करते हैं तो ग्रेफाइट टाइप ग्रेफाइट जैसे हो जाता ग्रेफाइट हो जाता वो तुम्हारा पेंसिल लेड ओके बट व्हाई दिस सडन क्यूरियोसिटी ऐसे ही आज तक तुमने दिखाई तुमने ऐसी क्यूरियोसिटी एनीवेज ए सन मैं तुमको बोलो हाँ तो क्या हाँ. एक बार बताओ क्या ये मॉलिक्यूल्स वाटर के अंदर सॉल्युबल होंगे क्या नहीं व्हाई बिकॉज वाटर इज पोलर प्रोटिक एंड दीज आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स राइट या हाँ इनसॉल्युबल इन वाटर Understood. चले आगे हाँ ओके alkenes आर नॉन पोलर दैट इज फाइन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एनी डाउट No. Like cyclohexane ले लो benzene ले लो CH2 ले लो carbon disulfide etc CCl4 ले लो they are soluble in that also that yes चलें आगे now understand yeah. that हाँ जी बोलो ये बोलो कुछ क्या बोलो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स के अंदर सबसे पहले कौन आएगा एल्केन्स ओके फ्रॉम एल्केन्स स्लैश एल्काइन्स They are known as heterogeneous catalysis. Heterogeneous catalysis का मतलब होता है तुम्हारे जो molecules हैं like your nickel at 573 Kelvin, ठीक है and nickel hydrogen जिसमें hydrogen chemisorb करता है nickel के अंदर At 573 Kelvin, chemisorption का मतलब होता है chemical bonds बना रहा निकल के साथ adsorb हो रखता है getting it उसके सरफेस पर palladium hydrogen and platinum hydrogen getting it yeah. guys अगर तुमको याद हो हमने hydrogen chapter तो नहीं किया ना hey, listen मैं तुमको ना inorganic के notes भेजने वाला हूँ अभी ठीक है हाँ सब भेज दो एक हफ्ते में एक चैप्टर अटना है क्या हाँ कितने चैप्टर है एक हफ्ते में कैसे
कौन बोला ये? तो कितने टाइम में एक चैप्टर होना चाहिए? एक हफ्ता काफी है बे। हाँ ठीक है ठीक है, पहले हाइड्रोजन चैप्टर करना है। कितने घंटे लगेंगे एक चैप्टर को? 5 घंटे। विद सॉल्विंग विदाउट सॉल्विंग? विद सॉल्विंग नहीं, विदाउट सॉल्विंग। विद सॉल्विंग उसके बाद के जो है ना वो करने हैं। असमत मैं माफ करके दूंगा। क्यों हंस रहे हैं? समझ के क्या रखा है सर? आपको लगता है हम 5 घंटे विदाउट सॉल्विंग इनऑर्गेनिक में पढ़ के सॉल्व भी करेंगे? वो क्या हो गया? 1 घंटा रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं होता, आपको लगता है 5 घंटा इनऑर्गेनिक का करेंगे हर हफ्ता? हाँ सर। कितने चैप्टर्स हैं इनऑर्गेनिक में टोटल? 1, 2, 3, 3, 6, 10, 3, 6, 9, 9, 2, 11, 11, 1, 12, 1, 13, 13, 10, 13। हाँ तो कल्याण हो गया हमारा। क्वेश्चन नहीं आते हैं? हाँ 20% क्वेश्चन आते ही नहीं है। 20% मतलब सिर्फ 10 से क्वेश्चन आते हैं ना? हाँ मतलब 2-3 नहीं करते ना? क्यों मतलब? आपने बोला सिर्फ 80% ऑफ इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन आते हैं। नहीं, तो से आता है पूरे पेपर का 20% इनऑर्गेनिक रहता है। नहीं मैं पूछ रहा हूँ हर चैप्टर से क्वेश्चन आता है। सर आप मटेरियल भेज देना लेकिन ऑर्डर भी भेज देना, चैप्टर्स का कौन से ऑर्डर में लर्न करना। मैं दूंगा मटेरियल के साथ साथ सब भेजूंगा मार्क करके, ठीक है? क्वेश्चंस जो करना है वो भी। हाँ जो पोर्शन पढ़ना है उसमें से वो भी। और कोई किताब खरीदना है क्या? नहीं खरीदना। ओके ठीक है। अभी करंट चैप्टर्स नहीं हो रहे हैं, आप इनऑर्गेनिक पकड़ा दो। अरे अगर अभी से नहीं करोगे ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इनऑर्गेनिक खत्म होने के बाद मैं फिजिकल और ऑर्गेनिक पूरा निपटा दूंगा ढंग से। सो मतलब 13 वीक्स में ऑर्गेनिक हो जाएगा? हाँ अगर किया तो। हाँ गेटिंग इट। और मैं तुमको शॉर्ट नोट्स भी भेजूंगा जिसके अंदर फ्लो चार्ट्स बने हुए हैं, ठीक है? पहले शॉर्ट नोट्स रीड करेंगे उसके बाद मेन नोट्स पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से होगा ना? हाँ वैसे कर सकते हो, बट फ्लो चार्ट ढंग से बना लेना। फ्लो चार्ट बना के घर की दीवारों पे लगा देना, ठीक है? मम्मी मारेगी वॉलपेपर लगा इतना अच्छा। आते जाते देखते रहना उसको। गेटिंग इट? लेकर इतना वॉलपेपर है यार, आजकल काफी अच्छी टेक्निक्स आती हैं जिसमें तुम चिपका सकते हो। एनीवेज निकल हाइड्रोजन पैलेडियम हाइड्रोजन प्लैटिनम हाइड्रोजन। तो अब जब ये रिएक्टिविटी होगी तो किस टाइप का होगा? जो एल्कीन है ना तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन? नहीं सॉरी एडिशन। हां एडिशन, एल्कीन और एल्काइन ले लो, ठीक है? अब होता क्या, सपोज करो कोई भी तुमने मेटल सरफेस ले लिया, उसको हीट्रोजीनियस क्यों कहते हैं? बिकॉज मेटल का जो सरफेस है दैट इज सॉलिड, राइट? ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गैसेस या फिर लिक्विड के अंदर होते हैं। हाइड्रोजन गैस है, राइट? जब हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन धीरे धीरे इसके ऊपर अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अट्रैक्ट करेगा तो बॉन्ड पार्शियली ब्रेक होगा कि नहीं होगा? होगा। जब पार्शियली बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। अगर इसके अंदर मैंने सेम मॉलिक्यूल सेम सरफेस पे गैसियस एल्कीन को एब्जॉर्ब करवाया तो ऑब्वियसली क्या होगा, अट्रैक्शन की वजह से ये बॉन्ड भी टूटेगा। अब बॉन्ड पाई बॉन्ड टूटे, जब पाई बॉन्ड टूटेगा ये सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, कौन सा वीक बॉन्ड होता है? पाई। अब पाई टूटेगा तो सेम साइड से हाइड्रोजन ऐड होगा कि नहीं होगा? होगा। सेम साइड से हाइड्रोजन ऐड होता है इसलिए इसको सिन एडिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिन एडिशन। सिन एडिशन तो होगा क्या, सेम साइड से पाई बॉन्ड तोड़ोगे और हाइड्रोजन डाल दोगे। गेटिंग अ पॉइंट? जैसे कहता है हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। एल्काइन। अच्छा एक बात बताओ, इसके अंदर जितना ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा उतना ज्यादा हाइड्रोजनेशन होगा, बोलो हाँ या ना? हाँ जी। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरे पास दो केसेस हैं, एक के अंदर एल्काइन और एक के अंदर एल्कीन, और मेरे पास ना सरफेस एरिया फिक्स्ड है ना?
अब ये होता है लीनियर मॉलिक्यूल, ये होता है प्लेनर मॉलिक्यूल, अंडरस्टूड? तो कौन सा मॉलिक्यूल, किसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा एड्सॉर्ब करेंगे इसके अंदर, एल्काइन या एल्कीन? एल्काइन। हाँ, क्योंकि लीनियर है तो लीनियर आराम से एडजस्ट कर जाएगा इधर, और अगर ये प्लेनर मॉलिक्यूल है तो इसको ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए होगा, राइट? तो नंबर ऑफ एल्कीन कम लगेंगे, नंबर ऑफ एल्काइन ज्यादा आएंगे कम सरफेस एरिया, तो इसका रिएक्टिविटी क्या होगा? हाँ, तो एल्काइन आर मोर रिएक्टिव देन एल्कीन, लेकिन सर वो भी, लेकिन एक मिनट, एल्काइन आर, बता रहा हूँ, रुक जा, एल्काइन आर मोर रिएक्टिव देन एल्कीन, हाँ आप बोल, लेकिन बस सरफेस एरिया उसका छोटा है, बट दैट इज नॉट द मेन फैक्टर, राइट? मेन फैक्टर, बिकॉज जब तक वो एड्सॉर्ब नहीं होगा तब तक रिएक्शन नहीं होगा, और कोई दूसरा फैक्टर नहीं है, क्योंकि एड्सॉर्प्शन इसका आरडीएस है। लेकिन CH ट्रिपल बॉन्ड इज मोर अनसैचुरेटेड देन CH डबल बॉन्ड, सो वुडंट दैट आल्सो बी अ फैक्टर के इतना अनसैचुरेटेड है, इट रिएक्ट मोर? नो, नथिंग लाइक दैट, बिल्कुल नहीं बोला ना, नहीं, स्टैंडर्ड स्कैम हो गया मतलब पूरा। हाँ ठीक है, मैंने बोला ना नहीं, सब पेस में बोला स्टेरिक इंडोरेंस के वजह से होता है, पर उनको नहीं समझा। मैं क्या कह रहा हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया किसके ज्यादा होंगे? एल्काइन। हाँ, बात करते हैं ऑन यूनिट एरिया मोर नंबर ऑफ एल्काइन्स गेट्स एड्सॉर्ब and hence are more reactive than alkenes. Understood? Yeah. Understood. Very good. चले आगे। हाँ। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारे पास let's say सिस ब्यूटीन है, तुम क्या कर रहे हो इसके अंदर ना पैलेडियम ड्यूटेरियम डाल रहे हो, तो ड्यूटेरियम जो ऐड होगा वो सेम साइड से होगा ना? हाँ, तो नीचे से भी ऐड हो सकता है और इसको फ्लिप करवा के फिर नीचे से ऐड हो सकता है, करेक्ट? यस, मतलब नीचे से भी ऐड हो सकता है और ऊपर से भी ऐड हो सकता है, कहने की बात ये, राइट? हाँ, ऊपर से ऐड मतलब इसको फ्लिप करवा के नीचे से ऐड करवाना, करेक्ट? अब ड्यूरिंग एडिशन क्या होगा, जैसे ऐड होगा ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? सेम ओरिएंटेशन में, बिकॉज सेम पाथवे हो रहा है, तो होगा क्या, ये बॉन्ड टूट रहा होगा और ये बॉन्ड टूट रहा होगा और ये बॉन्ड बन रहा होगा, दिस इज बॉन्ड फॉर्मेशन, दिस इज बॉन्ड ब्रेकेज, दिस इज बॉन्ड ब्रेकेज, और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम ओरिएंटेशन में ऊपर जा रहे होंगे, बोलो हाँ या ना? हाँ। तो मैम जो आंसर आएगा इसका वो क्या आएगा, ड्यूटेरियम नीचे, ड्यूटेरियम नीचे, तुम्हारी तरफ H, तुम्हारी तरफ H, पीछे की तरफ CH3, पीछे की तरफ CH3, तो शैल ऐसे आई विल गेट मीजो, प्लेन ऑफ सिमेट्री है बीच में, है कि नहीं? चाहे तुम ऊपर से ऐड करो चाहे तुम नीचे से ऐड करो, ऊपर से भी जब ऐड करोगे तो ये दोनों साइड जो मॉलिक्यूल की हैं सेम ओरिएंटेशन में नीचे आएंगी, यही तो पॉसिबिलिटीज होंगी, बोलो हाँ या ना? हाँ। तो देखो इसके अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, दोनों कंपाउंड मीजो होंगे, मतलब दोनों सेम ही है ना, बिकॉज मीजो का जो मिरर इमेज होता है वो सेम मॉलिक्यूल होता है, बोलो हाँ या ना? हाँ। आगे चले, क्या हुआ, कहाँ चले गए, क्या सोच रहे हो? एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बताओ जरा आंसर क्या होगा इसका, ठीक है? इसे हटाऊं? हाँ। वेरी गुड, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका आंसर बताओ जल्दी से। प्रोडक्ट्स चाहिए मेरे को,
सर कैसे भेज ट्रैक पे भेजें कि नहीं निकाल लो बस मैं देख लूंगा ना पहले रखो सॉल्व करके हो गया हाँ हो गया सॉल्व बता दो क्या आया तुम्हारा इन आंश में दिखता है हाँ तो होगा क्या नीचे से अटैक करेगा और ऊपर से अटैक करेगा तुम्हारे पास क्या आएगा ड्यूटेरियम अगर नीचे से अटैक किया तो बाकी के दोनों मॉलिक्यूल सेम ओरिएंटेशन में ऊपर चले जाएंगे राइट और अगर ड्यूटेरियम ऊपर से अटैक किया तो सेम ओरिएंटेशन में दोनों मॉलिक्यूल कहाँ चले जाएंगे नीचे एग्रीड हाँ अंडरस्टूड करेक्ट तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा तुम्हारे पास मिरर इमेज बोथ आर एनांशियमर एंड बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव राइट सो आई विल बी गेटिंग एनांशियमरिक पेयर्स राइट या चलें आगे हाँ वेरी गुड अब मुझे एक बात बताओ अगर तुम्हारे पास लेट्स से ये मॉलिक्यूल है सिस है ना नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन बताओ जरा क्या आएगा कितने प्रोडक्ट आएंगे जल्दी एल्कीन है आई वॉन्ट एवरी वन टू सॉल्व दैट सही एक मिनट ज्योमेट्रिक लाइस में जाएंगे हाँ जी ज्योमेट्रिक लाइस में हाँ ज्योमेट्रिक बनेंगे हाँ वेरी गुड अब से गलत है ऑब्वियसली ओके okay. नहीं ऑप्टिकली एक्टिव ही होंगे क्या कह रहे हो ऑप्टिकली ऑप्टिकली एक्टिव होंगे हाँ बट क्या ज्योमेट्रिकल होंगे नहीं ज्योमेट्रिकल नहीं होंगे नहीं होंगे हर्ष हर्ष ने आंसर हर्ष हर्ष ने आंसर
बेटा आंसर दे दो। बेटा आंसर दे दो। बेटा आंसर हर्ष, हर्ष नहीं, आंसर क्या होगा? देखो नाइट हाइड्रोजन जो है वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से तो भी अटैक कर सकता है। बोलो हाँ या ना। हाँ या ना? हाँ तो दोनों जो हाइड्रोजन है अगर वो ऊपर की तरफ आए तो बाकी के CH3 कहाँ जाएंगे? ये CH3 और ये C2H5 है। कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है क्या? हाँ हाँ नहीं, नहीं। या फिर दोनों मॉलिक्यूल कहाँ जाएंगे? नीचे हाँ हाइड्रोजन, तो बाकी के दोनों। अंडरस्टूड? जरा इसको फ्लिप हाँ करके देखना क्या बनता है। पहले वाला ठीक कुछ भी, इधर फ्लिप करके देखना भाई, 180 डिग्री। तो जो चीज तुम्हारी तरफ होती है नीचे की तरफ चली जाती है, और तो नीचे की तरफ होती है ऊपर चली जाती है। करेक्ट। तो ये प्लेन हाँ ऑफ प्लेन नहीं आ गया, दोनों मिरर इमेजेस नहीं हो गए एक दूसरे के। हाँ अगर एक बात बताओ, अगर ये आर है और ये एस है, अगर दो ग्रुप इंटरचेंज करूंगा तो ये एस हो जाएगा, और दो ग्रुप इंटरचेंज करूंगा तो आर हो जाएगा। सही है ना? तो हाँ एस आर और आर एस क्या है दूसरे के? कूल। मिरर इमेजेस डन। यस चलो ग्रेट। फिनिश्ड? Guys, done. या Very good. Now listen. Preparation from alkenes कर रहे थे, alkynes कर रहे थे। अच्छा सुनो, एक और कैटलिस्ट है जो ये काम करता है। अगर तुम alkenes के अंदर PO2 डाल दो ना, प्लैटिनम ऑक्सीजन, ठीक है, प्लैटिनम डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, सेम चीज होगी, एल्केन बनेगा। अंडरस्टूड? हाँ अंडरस्टूड। इसी कैटलिस्ट है, ठीक है। तो ये पेक्यूलियर कैटलिस्ट उनको नहीं दे रखा, तो उनको पता होना चाहिए। डन। आगे चले, आगे चले। चलो हाँ ग्रेट। नाउ क्वेश्चन कौन सा है? अभी अभी एल्कीन हो गया, अब चक्कर क्या है? एक बड़ा मसला है इसके अंदर। मसला क्या है? सपोज करो मेरे पास कॉन्जुगेटेड सी डबल बॉन्ड सी है, करेक्ट। हाँ अगर मैं निकल हाइड्रोजन एक इक्वलेंस डाल रहा हूं, मतलब एक मोल हाइड्रोजन डाल रहा हूं सिर्फ एक मोल मॉलिक्यूल के लिए, अगर टेम्परेचर तुम्हारा 25 डिग्री सेल्सियस है, रूम टेम्परेचर है, कोल्डर कंडीशंस है, तो जो मेजर मॉलिक्यूल बनेगा वो तुम्हारा ये बनेगा। और अगर तुमने हॉट कंडीशन डाला है, लेट्स से टेम्परेचर इज नियरली 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बनेगा। अंडरस्टूड? हाँ अंडरस्टूड। इसको कहते हैं काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट्स मतलब जिसका रेट फास्टर होता है। और ये प्रोडक्ट स्टेबल है क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोकॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ज्यादा है, इसे बोलते हैं थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। ये कब होता है, क्यों होता है? लेटर ऑन, अभी नहीं। बट ये याद रखना कि हायर टेम्परेचर में जो प्रोडक्ट होगा वो सारा स्टेबल बनेगा, और ज्यादा
लोअर टेम्परेचर पे जो रिएक्शन रेट होगा वो फास्टर होगा, गेटिंग अ पॉइंट। चले आगे। एक पिक्यूलियर रिएक्शन है। नेक्स्ट, अगर सपोज करो तुम्हारे पास एल्कीन है और एक एल्काइन है, तुमने क्या किया, निकल हाइड्रोजन एक इक्वलेंस डाला, मतलब एक ही मोल डाला, तो कौन सा ज्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा, एल्कीन या एल्काइन? एल्काइन। वेरी गुड। उसके बाद सपोज करो कि तुमको एक मॉलिक्यूल दे रखा है जिसमें ना चलो ठीक है फाइन, इतना समझ में आया, बोलो आया ना? बस बहुत है। नाउ सेकेंड, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स पहला पाथवे है वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हम ना अल्काइल हैलाइड लेते हैं, अल्काइल हैलाइड को ना हम सोडियम के प्रेजेंस में ईथर के साथ रिएक्ट करते हैं, गेटिंग अ पॉइंट? अब सोडियम ईथर के प्रेजेंस के अंदर ना क्या होता है, इट हैपेंस लाइक दिस, RX, XR एंड दो सोडियम अवेलेबल होता है तो NaX बनता है, क्या बनता है, और ये अल्काइल ग्रुप और ये अल्काइल ग्रुप दे विल फॉर्म अ बॉन्ड विद ईच अदर, गेटिंग अ पॉइंट? गेटिंग अ पॉइंट। Make sure that your alkyl halide should not be tertiary. मतलब tertiary carbon नहीं होना चाहिए, understood? अरे understood? It should not be tertiary. Otherwise क्या होगा? Tertiary के अंदर ना, if it is tertiary, R should be primary, secondary, but should not be tertiary. In tertiary, elimination takes place. अब सुनो होता क्या, सपोज करो तुम लोगों ने एक CH3Cl लिया, दूसरा CH3Cl लिया एंड तुमने सोडियम ईथर के अंदर रिएक्ट करवाया इसको, गेटिंग अ पॉइंट? अब सोडियम ईथर के अंदर क्या करोगे, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s1, तो शैल आई से इज हाईली रिएक्टिव, वांट टू लूज वन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन, राइट? या तो सोडियम क्या करेगा, अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बनाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, बोलो हाँ है ना? हाँ। अब कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो क्लोरीन विल अट्रैक्ट द शैड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ, सो आई विल बी गेटिंग डेल्टा नेगेटिव चार्ज एंड डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, बोलो हाँ? या अगर यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ अटैक करेगा, वह इलेक्ट्रॉन कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज पे करेगा कि सीएल पे अटैक करेगा? ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर रहा होगा तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर रहा होगा ना, तो जो क्लोरीन है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा, राइट? इतने ज्यादा लेगा कि Cl- निकल जाएगा, गेटिंग अ पॉइंट? या जैसे ही Cl- निकला कार्बन पे चार्ज कितना बचा, पॉजिटिव, तो मेरे पास क्या बनेगा यहाँ पे CH3 पॉजिटिव पे एक इलेक्ट्रॉन गया, तो CH3 फ्री रेडिकल बना नहीं बना, बना, तो बहुत सारे CH3 फ्री रेडिकल्स बने, तो एक CH3 फ्री रेडिकल दूसरे CH3 फ्री रेडिकल के साथ कोलाइड करेगा तो क्या बनेगा, CH3+ CH4 है, दोनों डॉट आपस में कंबाइन करेंगे ना, दोनों कार्बन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन कार्बन आपस में बॉन्ड बनाएगा नहीं बनाएगा? हाँ बनाएंगे। अंडरस्टूड? या वेरी गुड। चले आगे। हाँ जी। तो मेरे पास क्या है,
कि कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लो, लाइक C2H5Cl ले लो, C2H5Cl ले लो, अगर मैंने इसको सोडियम के साथ रिएक्ट किया तो तुमको पता है ये जो कार्बन है जहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, ये जो सोडियम है यहाँ से क्लोरीन निकाल लेगा, डॉट बनाएगा और तुम्हारे पास ब्यूटेन बन जाएगा जहाँ पे C4H10 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना, बदतमीजो, हाँ या ना? हाँ। अब चक्कर क्या है, इसका मैकेनिज्म ढंग से समझना। हाँ, फ्रीरेडिकल मैकेनिज्म इज मोस्ट एक्सेप्टेबल। लोग क्या करते हैं, दो मैकेनिज्म देते हैं इसके, एक फ्रीरेडिकल देते हैं, एक एनायोनिक मैकेनिज्म देते हैं। फ्रीरेडिकल इज मोर फेवरेबल, एनायोनिक मैकेनिज्म इज स्टूपिड। ठीक है, तो एनायोनिक मैकेनिज्म पे काम मत करना, सिर्फ फ्रीरेडिकल मैकेनिज्म पे काम करना। होता क्या है, सपोज करो तुम्हारे पास एक अल्काइल हैलाइड है सीसी इथाइल क्लोराइड ले लिया, तुमने इसको इथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया, अभी तुमने सोडियम लिया, तो मुझे बताओ सोडियम क्या करेगा, सोडियम क्या करेगा? सीएल निकालेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा, राइट? तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा, डेल्टा नेगेटिव बना देगा, इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा, ये सीएल माइनस निकल जाएगा, ये सीएल माइनस निकल जाएगा, तुम्हारे पास फ्री आर्टिकल कौन सा बनेगा? बहुत सारे इथाइल फ्री आर्टिकल बनेंगे, नहीं बनेंगे, बनेंगे। तुमको पता है ना फ्री आर्टिकल एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। हाँ, तो जो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन जब कोलाइड करेंगे आपस में तो कैसे क्या क्या होगा, ये कार्बन इस कार्बन के साथ कोलाइड करेगा तो क्या बनेगा, ब्यूटेन बनेगा, नहीं बनेगा? सी सी सी, यस बनेगा, वेरी गुड। तो अल्काइल ग्रुप डबल हो गया, बोलो हाँ। एक साइड रिएक्शन होता है जो कि बहुत माइनर होता है, माइनर क्यों होता है बताता हूँ। ठीक, रैंडम कोलिजंस हो रही है ना, रैंडम कोलिजन, दे आर कोलाइडिंग रैंडमली विद ईच अदर, करेक्ट? ये भी हो सकता है ना कि गलती से ये कार्बन इस कार्बन के साथ कोलाइड करे। जब भी कार्बन न्यूट्रल एटम के साथ कोलाइड करता है ना, उसकी टेंडेंसी होती है एच डॉट निकालने की, किसके निकाल क्या निकालने की, एच डॉट, एच फ्री रेडिकल। तो जैसे ही कार्बन सपोज गलती से यहाँ कोलाइड किया ना, तो ये वाला बॉन्ड टूटता है होमोलिटिकली, हमेशा फ्री रेडिकल होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकेज करता है। तो अगर ये ऐसा टूटा, अगर जब सी सी डॉट सी एच बॉन्ड के पास आया, तो हमेशा उसकी टेंडेंसी होती है एच डॉट निकालने की, तो ये बॉन्ड टूटेगा होमोलिटिकली, एच डॉट सी डॉट क्या बनेगा, एल्केन। सी डॉट और सी डॉट, जब दो सी डॉट कार्बन के अंदर बने तो एक यार एक फ्री रेडिकल बहुत अनस्टेबल होता है कार्बन में, दो फ्री रेडिकल सेम मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, स्टेबल होगा कि बहुत अनस्टेबल होगा, बहुत अनस्टेबल, इतना अनस्टेबल होता है कि ये माइनर प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है, माइनर। तो डॉट और डॉट आपस में पाई बॉन्ड बॉन्ड बनाएगा, तो सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी है, तो दूसरा बॉन्ड क्या बनेगा, पाई। तो इसको ना डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहता है। सो दिस रिएक्शन वेयर यू आर गेटिंग एल्कीन एज वेल एज एल्केन एज अ माइनर प्रोडक्ट, that reaction is disproportionation reaction, क्योंकि एक molecule hydrogen lose कर रहा है, दूसरा molecule hydrogen gain कर रहा है, right? loss and gain of hydrogen is your what, redox reaction, ठीक है? अब सुनो, अगर सपोज करो गलती से तुमने एक tertiary free radical ले लिया, tertiary alkyl ad ले लिया, तो तुमने सोडियम लिया, सोडियम ने Na प्लस दिया प्लस एक इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, Cl- निकलेगा, तो एक फ्री रेडिकल बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसे करके और ज्यादा फ्री रेडिकल बनेंगे, गेटिंग अ पॉइंट? तो एक बात बताओ, ये जो कार्बन है ये टर्शियरी कार्बन है और एक बहुत सारे कार्बन और अल्काइल ग्रुप से इनकैप्सुलेटेड है, तो जब ये कोलाइड करेगा इस कार्बन के साथ, देयर विल बी लार्ज अमाउंट ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, बोलो हाँ या ना? हाँ। तो जब कोलिजन के वक्त दिस मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस लार्ज अमाउंट ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, क्या ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड कर सकता है क्या? अरे इजिली बॉन्ड करेगा क्या इस कार्बन के साथ? नहीं। उस केस के अंदर क्या होता है, ये डॉट इस सी एच बॉन्ड पे जाता है,
और मेजर प्रोडक्ट जो बनता है तुम्हारा दैट इज योर एल्कीन। गेटिंग अ पॉइंट? तो मेजर प्रोडक्ट क्या आता है तुम्हारे पास, मेजर प्रोडक्ट क्या आता है मेरे लाल पीलो हरे नीलो, मेजर प्रोडक्ट क्या आता है? ये टर्शियरी अल्काइलाइड के अंदर। तो क्या मैं टर्शियरी अल्काइलाइड यूज करूं उस रिएक्शन के लिए? नहीं। वेरी गुड, डन। हाँ समझ में आया। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन है, अगर सपोज करो मेरे पास CH3CH2Cl है, मेरे पास CH3CH2CH2Cl है, मैं इसको सोडियम के साथ हीट कर रहा हूँ, सोडियम ईथर के साथ हीट कर रहा हूँ, सोडियम को वाटर में मत डालना एक्सप्लोसिव होता है, आग लग जाएगी, है ना, वाटर के साथ ही रिएक्ट करके कुछ नहीं होने वाला, इलेक्ट्रॉन्स बनने नहीं वाला। गेटिंग अ पॉइंट? अब मुझे बताओ क्या करेगा सोडियम इन दोनों के साथ, यहाँ क्या बनेगा? CC डॉट। वेरी गुड, और यहाँ? CC डॉट। वेरी गुड। तुम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स क्या बन सकते हैं बताओ, जरा मेजर प्रोडक्ट बताओ पहले। हाँ, पेंटेन। ये इसके साथ कोलाइड करेगा तो पेंटेन बनेगा, और ये भी तो सकता है ये फ्री रेडिकल खुद सारे अपने साथ ही कोलाइड हाँ, कर ले, अपने साथ ही कर दे। अगर बहुत सारे ना एक मोल और एक मोल तो बहुत सारे ये फ्री रेडिकल हैं, बहुत सारे ये फ्री रेडिकल हैं, तो अगर ये खुद के साथ हाँ, कोलाइड करेगा तो क्या बनाएगा? ब्यूटेन और हेक्सेन। और अगर ये खुद के साथ करेगा तो हेक्सेन बनेगा, बोलो हाँ या ना? हाँ, बहुत बढ़िया। अब एक बार बताओ साइड प्रोडक्ट्स कौन कौन से बनेंगे? मैंने कहा था ना कि माइनर प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो कौन से बनते हैं? एल्कीन। रुको, ये फ्री रेडिकल यहाँ पे भी कोलाइड कर सकता है, एच डॉट निकाल सकता है, बोलो हाँ। हाँ यहाँ पे भी कोलाइड कर सकता है, एच डॉट निकाल सकता है, बोलो हाँ। हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या क्या बनेगा? एक बस सी सेम डॉट होगा बन ना सकता दोनों है, एक नट, वो। नहीं, और यहाँ पे सी डॉट बन सकता है, बोलो हाँ। हाँ और जब ये डॉट यहाँ से एच डॉट निकालेगा तो एल्कीन बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। ओके, वन सेकेंड, अश्नि कौन सा वाला पार्ट? अश्नि कौन सा वाला पार्ट? तो वो पहले भेजा था जब आप पूछ रहे थे क्वेश्चन। अभी समझ में आया कि क्या क्या बन सकता है? तो अगर ये फ्री रेडिकल यहाँ कोलाइड कर रहा है और यहाँ कोलाइड कर रहा है, खुल तो एल्केन बन गया, यहाँ पे ये दो फ्री रेडिकल बना दिए, ये भी तो हो सकता है ये फ्री रेडिकल इसके साथ कोलाइड करके एच डॉट निकाल ले, तो अगर ये फ्री रेडिकल इसके साथ कोलाइड करके एच डॉट बनाएगा तो क्या निकालेगा ये? बेटा तो वापस बोलो। हम लोग क्या कर रहे थे टिल नाउ? CCCL मेजर प्रोडक्ट के अंदर तुमने बोला ब्यूटेन, तुमने बोला हेक्सेन, जब ये आपस में कोलाइड करेंगे तो पेंटेन, कोई डाउट? नहीं, वेरी गुड। अब जब चक्कर क्या, तुम्हारे को पता है कि ये एक सी डॉट बनाया और ये सी डॉट बना है, तो माइनर प्रोडक्ट के अंदर ये उस जगह कोलाइड करता है जहां पे ऑलरेडी फ्री रेडिकल नहीं है, तो यहाँ पे यही दो पॉसिबल कार्बन है, बोलो हाँ या ना? और यहाँ से क्या निकालेगा ये? एच डॉट, बोलो हाँ या ना? एच डॉट जैसे एच डॉट निकाला खुद तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कीन के अंदर। एल्केन। और तुम्हारे पास कौन कौन से ट्राई फ्री रेडिकल बनेंगे? एक तो ये, दूसरा ये, कोई डाउट? नहीं, उसके बाद ये भी हो सकता है कि ये जो फ्री रेडिकल है वो इस फ्री रेडिकल के साथ, इस वाले कार्बन के साथ कोलाइड करे, राइट?
यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बनाएगा ये प्रोपेन, और यहाँ कौन सा फ्री रेडिकल बनेगा ये वाला, तो ये आपस में क्या बनाया इसने, एल्कीन, इसने क्या बनाया एल्कीन, इसने क्या बनाया ये डॉट, ये डॉट के साथ कोलाइड करेगा साइक्लोप्रोपेन, बात समझ में आई? हाँ अंडरस्टैंड सर, साइक्लोप्रोपेन कैसे बनेगा? हाँ जी सर, साइक्लोप्रोपेन कैसे बनेगा? साइक्लोप्रोपेन जब ये डॉट इस डॉट के साथ कोलाइड करेगा तो खुद सोचो ना, यहाँ पे कार्बन है जो बॉन्ड बना सकता है, यहाँ पे जो कार्बन है बॉन्ड बना सकता है, ये दोनों कार्बन जब आपस में कोलाइड करेंगे तो बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ सर, मुझे लगा आपने कुछ तो दूसरा बोल दिया। तो ये SNI के थ्रू होगा ना? हाँ डन या चलो वाइंड अप करें आज। हाँ तुम्हारा है AbSh, चलो गैस टेक केयर, आई विल जस्ट से बैठा, ये तुम्हारा हाइड्रो वन,